हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो स्वागत है भाई आपका आज एक नए वीडियो में। आज है हमारा बदरवा में डे टू और अभी हम लोग निकले हैं जई वैली के लिए। एक्चुअली हम लोग को पादरी वैली भी जाना था बट टाइम कंस्ट्रेंट के वजह से हम लोग आज बस जई वैली करेंगे और फिर निकलेंगे उधमपुर के लिए। जई वैली से दोपहर 2-3 बजे तक हम वापस आ जाएंगे बदरवा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे उधमपुर के लिए। तो कल के जैसे आज भी हम लोग ने हमारे होटल वाले से ये लोकल टैक्सी बुक करवाई है 2000 रुपीज जय वैली के लिए। एक्चुअली हम लोग ने खुद के लिए प्राइवेट टैक्सी बुक करवाई थी, ड्राइवर ने देखा 3 ही लोग है तो उसने अपने दोस्त को बुला लिया, अभी मस्त टाइम पास करेंगे लोग जय वैली में। अभी हम लोग कहना जाई वैली आए हैं। ये जाई वैली एकदम ग्रीनरी से भरा हुआ है, पूरा मेडोज है, बहुत बड़ा मतलब खजियार टाइप ग्राउंड है पर आने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग छोटा सा एक ट्रैक टाइप कर रहे हैं खुद का, मतलब कम कैपेसिटी में ज़्यादा इंजॉयमेंट वाला ट्रैक। तो इसके अंदर है ना आजू आप देख सकते हैं बाजू से मस्त एक झरना बह रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अम्मा के जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे जैसा बात कर रहा हूँ कमेंट में बताएं। तो हम लोग ने अभी आज कल गुलडंडा किया और आज जाई वैली आए तो कुछ मिलिट्री वाले हमको मिले थे रास्ते में तो वो बोल रहे थे कि जाई वैली इतना कुछ खास नहीं है पर हमारे टेस्ट के वजह मतलब हिसाब से हमको जाई वैली ज़्यादा खूबसूरत और पसंद आया क्योंकि एक तो यहाँ पे स्नो का टॉर्चर नहीं है, ठंड नहीं है पर वो एक फैक्टर भी है। जिसको स्नो में इंजॉयमेंट करना है उसके लिए गुलडंडा अच्छा है पर जिसको मतलब मस्त पिकनिक करना है और पूरा दिन अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना है, थोड़ा सा वॉक करना है और जस्ट चिल करना है उसके लिए ये मौसम बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है, ग्रीनरी की वजह से एकदम काम हैप्पी फील होता है। तो ज़रूर आइए इधर और हमारे जैसा खुशी का एहसास कीजिए। नेचर तो मतलब देखने लायक है और मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन का ट्रिप कर सकते, जितना मौसम सपोर्ट करेगा 10-15 दिन तो हो ही सकता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वैसे सपोर्टिव है, रूम भी अभी तक इतना टूरिस्ट का ये नहीं होने की वजह से वो लोग कमर्शियल एस्पेक्ट से नहीं सोचते, सोचते कि यार आप लोग को ज़रूरत है अभी रहना है तो हमारा भी बिजनेस हो जाए और आप लोग को भी कन्वीनियंट हो जाए, ज़्यादा पिंच ना हो पॉकेट में और एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड लिविंग जो कंडीशंस है वो मिले।
तो उस मामले में भी हर स्पॉट में, जैसा स्टार्ट है ना, इसमें किश्तवाड़ में हो या अभी भदरवाह में हो, दोनों जगह पे डिसेंट एकोमोडेशन का फैसिलिटी है। तो वो एस्पेक्ट में भी ऐसा इशू नहीं है कि यहाँ पे आएंगे तो रहेंगे कहाँ ये कहाँ। जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर। जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। बोली आगे का गाना नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं वैसे नहीं, और खुल के बात करते हैं। कभी कभी अपने को लगता है यार ये ऐसा कैसा, मतलब इतना बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो पहले इससे मुलाकात नहीं की। पर फिर है ना, बात करने के बाद ऐसा लगता है नहीं यार, ये लोग का ये लोग मतलब ऐसा खुद कुछ ऐसा अंदर रख के एक फेस में बात नहीं करते, फेस से बात नहीं करते, डबल फेस नहीं। हाँ, डबल मन में जो दिल में है वो सीधा जुबान पे। अरे बाप रे, जुबान पे। अरे इधर इधर आया है तो इधर का हिंदी बोलना पड़ेगा ना। हाँ, थोड़ा उर्दू तो चढ़ना पड़ेगा। गिर जाएगा मैं चलेगा तो इस पे पिछलेगा तो आगे वाला ठीक है, ये स्लोप में तू गिरेगा ना। वीडियो के लिए क्या क्या करेगा, चालू है इससे सब्सक्राइबर मिलेगा क्या? चलो 100 सब्सक्राइबर मैं ये कर सकता है, नहीं अगर मैंने किया तो 100 सब्सक्राइबर। सब्सक्राइब करो, दोस्त लोग को बोलो मैन वर्सेस वाइल्ड लगा तो भरचुक। हाथ
ऐसे ऐसे गिरते हैं पुकट आरती एकदम। अभी किया मैंने कंप्लीट 1000 लाइक, ज़्यादा हो गया ना, इतना करेगा क्या तुम लोग? बहुत ज़्यादा आशा रखता है मैं। क्या रिव्यू, रिव्यू ऑफ द प्लेस, रिव्यू बोल। हाँ रिव्यू रिव्यू, क्या बोलती है, खूबसूरत है, लाजवाब। ओहो नया वर्ड। अरे ये लोग जम के क्रिकेट खेल रहा है, मिलिट्री। उसको क्या जोश आ गया आज, क्या मालूम, पूरा जान तोड़ के चिल्ला रहा है। घेत लो फोटो। ना ना बॉ मारला मैं, तू कसून चलला इधर वैली चे घेतस। हाँ क्या मस्त मजा आ गया यार, वन टाइम एक्सपीरियंस। तो भाई अभी हम लोग निकले हैं उधमपुर के लिए, पीने की बहुत तगड़ा भूख लगा है यार, बहुत हालत हो गया, बड़ी तेज़ भूख लगी, तेज़ भूख। और 3 बज रहा है और यहाँ से डायरेक्ट उधमपुर के लिए बस नहीं है, तो हम लोगों को डोडा सिटी डोडा पुल तक यहाँ से टैक्सी लेना पड़ेगा, शेयर कैब है, और फिर उसके बाद आगे उधमपुर तक शायद वहाँ से कुछ मिलेगा, ज़्यादा लेट होएगा तो वो भी नहीं मिलेगा। तो ब्रेक हम लोग लंच कर नहीं सकते, तो थोड़ा सैंडविच वगैरह ले रहे हैं और अभी भागेंगे उधमपुर की ओर, नहीं तो वाट लग जाएगा आगे। अभी जिधर भी जाएंगे ना सब जगह पे बोलते हैं कि बर्फ की वजह से रास्ता बंद हो गया, बर्फ की वजह से रास्ता। नहीं अभी हेलो हेलो जल्दी आ गई, राम राम, आपको जून जुलाई में ठीक हो? नहीं पता नहीं ये साल है ना, अभी जैसा सिस्टम टॉप मैं इधर पहुंच जा रहा हूं गणपत पुल के पास, सिस्टम टॉप पे ना हम लोग आने से 2 दिन पहले गणपत गणपत हां अभी बारिश हां तो वो बोलते हैं वैसे तो मार्च महीने से आ रहे तो गाड़िया तो श्रीनगर सिंटर टॉप से जा रही है, बर्फ हुई तो 2 दिन लेट हो गए बोलते हैं। अकेले हो यार, किसके साथ जाना है, क्या करेंगे, छोटी छोटी तवीरा है। आज मौसम ठीक है, 4-5 दिन खत्म हो गया ना, अभी परसों जाना है बोलेगा तो जम्मू के जितने नजदीक होंगे उतना अच्छा है। और पूरे रास्ते में क्योंकि हम लोग ने खाना नहीं खाया दोपहर को जैसे कि मैंने पहले बोला था, और रास्ते में गाड़ी गोल 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 पहाड़ों पे घूम रही थी और मैं पीछे बैठा था,
गाड़ी के, तो उल्टा बैठा था ना कि गाड़ी जिस तरह जा रही थी उस तरफ फेस करके, तो चक्कर आने शुरू हो गए और फिर उल्टी पे उल्टी हर एकदम ऐसा, मतलब 3 स्टॉप लिया और सब ऐसा मेरे को ही देख रहे कि ये इतना उल्टी क्यों कर रहा है। और फिर सब लोग सपोर्टिव थे कि पानी पी लो, गोली खा लो, आगे आके बैठो, विंडो खोल लो, तो कैसा ना कैसा करके सफ़र ख़त्म किया। पर बहुत ऐसा हालत हो रहा है और फिलहाल अभी हम लोग उधमपुर में खाना ढूंढ रहे। हाँ हाँ हाँ, क्या मजा आ गया। मेरा जितना भी उल्टी उल्टी का प्रॉब्लम था, एक सूप ने सब सॉल्व कर दिया। तो तंदूरी नाइट्स इन उधमपुर रिकमेंडेड। हाँ माँ ऐसा सूप बना के देगी ना मेरे को घर जाने के बाद? हाँ प्लीज, नहीं तो मैं खुद बनाएगा। मैं कुछ नहीं बनाया आज तक, बट मैं सूप बनाएगा, बनाऊंगा, मतलब हिंदी करेक्शन, पर मस्त बनाऊंगा और डालूंगा भी फोटो किधर, कम्युनिटी पे। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। कल हम जाएंगे मानसर लेक उधमपुर में और ये लेक भी एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम जाएंगे जम्मू। बट उसके पहले कल का दिन कैसे जाता है देखने के लिए आपको कल का वीडियो भी देखना पड़ेगा। और मैं क्या बोलने वाला था, अब तक के लिए जो वीडियो देखा थैंक यू, होप आप आगे भी वीडियो देखेंगे। चलो बाय बाय, गुड नाइट। Da-d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 a